अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की और बहुत ही क्विक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ जो है गार्लिक श्रिम्प की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बड़ा ही क्विक और बहुत ही मज़े का बनता है। तो यहाँ पे गार्लिक श्रिम्प बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम जो है वो श्रिम्प लिया हुआ है, 1 टीस्पून ऑर्गेनो, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स और 1/2 टीस्पून क्रश ब्लैक पेपर और अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट लिया हुआ है, 1 लेमन का जूस है और उसकी पील को मैंने ये जुलियन कट कर लिया हुआ है, और 1/2 कप मैंने जो है गार्लिक लिया हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुकिंग के लिए मैं जो है ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, और यहाँ पे जो है मैंने ये थोड़ा हरा धनिया लिया हुआ है गार्निशिंग के लिए। अब हम कुकिंग की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे पैन जो है गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर 5 टेबल स्पून के करीब ऑलिव ऑयल शामिल कर रहे हैं। आप चाहें तो आप इस रेसिपी को जो है बटर के साथ भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर जो है हम रेड चिली फ्लेक्स शामिल कर देंगे और इसको थोड़ा देर जो है हम इसमें कुक करेंगे। जब एक इससे अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तब हम इसके अंदर जो है गार्लिक को ऐड कर देंगे। गार्लिक ऐड करने के बाद हम इसको एक से डेढ़ मिनट तक हम इसको कुक करेंगे, ताकि हमारे गार्लिक की रॉ स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे हमारा गार्लिक हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो है श्रिम्प को शामिल कर देंगे। और यहाँ पे कुकिंग जो है वो मीडियम फ्लेम पे कर रहे हैं। तो हम इसको अच्छी तरीके से चलाते हुए जो है इसको कुक करेंगे। श्रिम्प का कुकिंग टाइमिंग जो है वो बहुत कम होता है। आपका मैक्सिमम जो है 5 to 6 मिनट में आपका श्रिम्प रेडी हो जाता है, और ये डिपेंड करता है कि आपका श्रिम्प किस साइज़ का है और कितनी क्वांटिटी में है। यहाँ पे जो बाकी मसाले, ब्लैक पेपर और ऑर्गेनो जो था हमने वो शामिल कर दिया है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये सभी चीज़ें डालकर हम इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद जो है हम इसको 3 से 4 मिनट तक जो है हाई फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे। और इसके अंदर हम जो है हम ये लेमन जूस था वो भी शामिल कर देंगे। तो जब ये श्रिम्प अपना शेप और अपना कलर चेंज कर ले तो आप समझे कि ये खाने के लिए रेडी है। अगर आप श्रिम्प को ओवर कुक करेंगे तो आपका श्रिम्प जो है वो चुई हो जाएगा। अब इसके अंदर जो है हम हरा धनिया जो है वो भी शामिल कर देंगे, और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए हम थोड़ा देर इसको और कुक करेंगे। हमारा श्रिम्प जो है ऑलमोस्ट रेडी है। तो बहुत ही इजी और बहुत ही ये मज़े की रेसिपी है, और बहुत कम टाइम में रेडी हो जाती है। एज ए स्टार्टर ये बहुत ही अच्छी एक साइड डिश है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।